हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आईआईटी और आईआईटी जेई मेंस और बीआर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरा मोटिव यह है वीडियो बनाने का कि हर बच्चा जो 12वीं के बाद बीआर करना चाहता है, आर्किटेक्ट बनना चाहता है, उसे अच्छी पढ़ाई, अच्छी कॉलेज लेने के लिए, जेई मेंस में जाने के लिए उसे अच्छा यूट्यूब पर कंटेंट मिल जाए, फ्री कंटेंट मिल जाए, जिसे मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आर्किटेक्ट के ऊपर ज़्यादा वर्क करता हूँ। अगर आप मैं जेई मेंस बीटेक के ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपकी रिक्वेस्ट हो तो। और मैं बीआर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। और मैं वीडियो में अभी जो प्लेलिस्ट पे काम कर रहा हूँ, वो सम बिल्डिंग एंड आर्किटेक्ट, कुछ ऐसे फेमस बिल्डिंग्स हैं और जो आर्किटेक्ट हैं जो बहुत पूछे जाते हैं जेई मेंस और नाटक एग्जामिनेशन में, तो उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने और कई वीडियो बनाए हैं। और मैं अभी ये बुलंद दरवाज़ा, जो कि कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कोई इस पे ऊपर क्वेश्चंस, ये कहाँ पे है, इसकी क्या हाइट है, ये सब कुछ इसका पूछा गया है। तो आगे देखते हैं कि क्या है प्रोसेस। ठीक है, क्या आगे इसका फीचर्स है या फिर क्या है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लर्न कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में आप पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा पता है आपको, बुलंद दरवाज़ा पता है आपको, फील आ रहा होगा बुलंद बोलने से, बड़ा दरवाज़ा होगा कोई। ठीक है, तो इंग्लिश में कहते हैं गेटवे ऑफ मैग्निफिकेंस। मैं आप कलर अलग ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा, गेटवे ऑफ मैग्निफिकेंस। ठीक है, गेटवे ऑफ मैग्निफिकेंस। हाइट ऑफ दिस गेटवे इज़ 134 फीट। मतलब कि जो हाइट है ना इसका दरवाजे का, वो 134 फीट है। और स्टीप फ्लाइट ऑफ द स्टीप स्टेप्स, जिसको सीढ़ी है ना, मतलब क्या कहते हैं इसको हम, लेडर, जीना, जीना कहते हैं ना हम, जीना या फिर सीढ़ी जो भी कहते हैं, तो वो 42 फीट का है। तो 42 फीट का, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट इसका हो जाएगा ग्राउंड लेवल से, टोटल हाइट से ग्राउंड लेवल से 176 फीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी पूछ लेते हैं कि टोटल हाइट क्या है फतेहपुर गेटवे ऑफ मैग्निफिकेंस या बुलंद दरवाजा की। तो इसको किसने बनवाया और कब बनवाया, कहाँ बनवाया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि बिल्ड अकबर ने बनवाया था 1576 में। ठीक है, और इसको जो इसका जो मेन एंट्रेंस है, इसको जो फतेहपुर सिकरी पैलेस है आगरा के अंदर, ये भी एक पैलेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी एग्जाम, फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया, कहाँ, कितना बड़ा है ये। ठीक है, तो पूरा एरिया जो है इसके अंदर बनाया गया था, इसे पूरा पैलेस है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, अकबर ने बनवाया था, और इसका जो गेटवे है वो मैग्निफिकेंस गेटवे, वो बुलंद दरवाजा है। तो जैसे कि ये छोटा सा वीडियो था, ठीक है, छोटा सा पॉइंट था। इसके ऊपर 4 नंबर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं लगभग लगभग। ठीक है, कई बार आए हैं, तो मैंने बना दिया वीडियो आपको लिए, आपके लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं, नोट कर सकते हैं, ज़्यादा तीन दो तीन पॉइंट है। तो वीडियो मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी जो आपको प्रॉब्लम है, क्वायरीज हैं रिलेटेड बीआर को और जेई मेन्स रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। बाकी जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।